नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। मैं एक नया वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। मैं आज फर्स्ट टाइम हिंदी लैंग्वेज में वॉइस दे रही हूँ, तो मेरा हिंदी बहुत ही टूटा फूटा है, उतना अच्छा नहीं है। अगर गलती होगा तो माफ़ कर देना और मेरा बातों को आप लोग समझ लेना। तो चलिए, मैं पूरा कोशिश करूँगी। ऐसा कुछ खास भी नहीं बना रही हूँ। मैं सोचा कि आज मैं हरी मिर्ची का अचार बनाऊंगी, तो मेरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक कमेंट करके बताना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मेरा जो किचन गार्डन का एक वीडियो डाली थी उसमें मिर्ची का पौधा था, तो उसमें दो चार मिर्ची भी लगी हुई है, तो आज मैं उसी से भी दो चार मिर्ची तोड़ के उसके साथ मिलाऊंगी। ठीक है, चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस पेड़ में कितने सुंदर फूल खिली हुई है। ये एक ही पेड़ है, एक पेड़ में कितना सारा फूल खिला हुआ है। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या चाहिए अचार बनाने के लिए। देखिए, ये मिर्ची का अचार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो सबसे ज़रूरी है हम हरा मिर्ची चाहिए, वो भी ताज़ा हुआ चाहिए। मैं ये मिर्ची काल लाई हूँ मार्केट से, तो उतना अच्छा भी नहीं मिला है, फिर भी चलो इसी में काम चला लेते हैं। और मेरा ये किचन गार्डन का है, तो देखिए कितना सुंदर सा है, ये बड़ा बड़ा मिर्ची लगी हुई है। ये मिर्ची को मैं पूरा इसका ये निकाल के धो लिया था, और धो के एकदम इसका अंदर एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, पूरा पानी को पोंछ लिया, साफ कर लिया। तो अभी ये मिर्ची को आप मतलब ये ऐसे करके इसको हटा देना है, और ये मिर्ची को आप आधा आधा टुकड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो एक इसमें चीरा भी लगा देना है, क्योंकि इस ताकि इसमें इसका अंदर मसाला और मतलब सब कुछ मसाला घुस सके, मीठा नमक सब कुछ। तो चलिए, और इसमें क्या क्या मसाला चाहिए वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं सूखा हुआ मिर्ची लिया इसमें, और ये साबुत धनिया भी लिया, और इसमें ये राई बोलते हैं सरसों, ये भी लिया एक चम्मच करके लिया मैंने, धनिया भी एक चम्मच लिया, सरसों भी एक चम्मच लिया। और ये देखिए, ये जीरा है, तो इसको मैंने हाफ चम्मच लिया, और टेस्ट के अनुसार नमक लेना है, हल्दी भी डालना है, और ये मतलब कश्मीरी रेड मिर्ची है, ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये कलर अच्छा आता है इसीलिए इसको मैं डालूंगी। और ये देखिए, ये है हम पांच फोड़ों बोलते हैं इसको, मतलब इसमें वो मेथी, वो सौंफ और कलौंजी, ये तीन चीज़ मिक्स कर, ये एक टीस्पून मतलब एक चम्मच लिया। आप क्वांटिटी में बना रहे हो उसी के हिसाब से, और पूरा ये सरसों का तेल से ही बनेगा अचार। और देखिए इसमें मैं ये घर में बना के रखी हूँ, ये है इमली का अचार, खट्टा मीठा, खट्टा इसमें ज़्यादा ही है, इसीलिए मैं इसके साथ और भी थोड़ा चीनी भी डालना पड़ेगा मुझे मीठा, क्योंकि ये हरी मिर्ची बहुत तीखा है, और इसका जितना मतलब इसमें खट्टा डालूँगी उतना ही मतलब अनुसार मुझे मीठा भी डालना है। अचार को कैसे ज़्यादा दिन रखें इसका टिप्स भी मैं बता दूँगी, मैं भी मेरा घर वालों से सीखी हूँ, मम्मी सासू माँ इन लोगों से, तो वो भी मैं लास्ट में बता दूँगी उसमें क्या डालना पड़ेगा, क्या नहीं डालना पड़ेगा, कैसे रखेंगे। तो चलिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। आप चाकू की हिस्से से भी काट सकते हैं, और नहीं तो मतलब ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं तीन टुकड़ा कर दूँगी, ऐसे करके मैं पूरा मिर्ची काट लूँगी। देखिए मैं पूरा मिर्ची काट लिया, वो जो मिर्ची खराब था उसको मैं छांट कर निकाल दिया, इसमें एक भी खराब मिर्ची नहीं होना चाहिए,
ये ख़राब मिर्ची रहेगा तो आपका वो अचार ये ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो चलिए पहले मैं जो ये सूखा मसाला लिया इसको मैं कढ़ाई में थोड़ा फ्राई करूँगी भूज के, मैं इसका एक ड्राई दरदरा कूट लूँगी, इसको लास्ट में ये मसाला खड़ा मसाला डालूँगी तो बहुत टेस्ट आएगा अचार में। तो चलिए देखते रहिए, मैं धनिया डालूंगी, धनिया भी थोड़ा सा गर्म हो गया। इसके बाद जो सौंफ वगैरह रखी थी, कलौंजी सौंफ ये सब कुछ, जीरा राई सब कुछ डाल दूंगी, भूज जाएगा। ऐसे ही मैं मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन मिक्सी की जार भी तो एकदम पूरा सूखा होना चाहिए क्योंकि इसमें पानी होने से ये अचार ख़राब हो जाएगा। इसका खुशबू वो निकाल गया। चलो इसको उतार लेते हैं। फिर मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी, मिर्ची के हिसाब से सरसों का तेल डालना। तेल गरम हो गया, इसमें मैं थोड़ा पांच फोड़न डाल दूंगी और एक सूखा मिर्ची भी डालूंगी। फिर मैं इसमें मिर्ची पूरा डाल दूंगी। इसको मैं तब तक फ्राई करूंगी जब तक ना इसका कलर पूरा चेंज हो जाए और ये थोड़ा बॉयल हो जाए। देखिए 2-3 मिनट हो गया, ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। ये बहुत तीखी है इसीलिए इसका स्मेल भी आ रहा है। हल्दी और वो कश्मीरी रेड मिर्ची जो ली थी वो थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी, लेकिन स्टीम को कम करके, नहीं तो ये हल्दी और मिर्ची जल जाएगा। ये नमक डाल दिया तो वो हरा मिर्ची से थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो मेरा ये हल्दी और कश्मीरी रेड मिर्ची जो कलर के लिए डाली हूँ वो जलेगा नहीं। इसमें तो मैं बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करूँगी, अगर थोड़ा सा भी पानी यूज़ करती तो मैं हल्दी और मिर्ची पाउडर को पानी में घोल के देती ताकि ये जले ना, लेकिन इसमें पानी इस्तेमाल करने से ये अचार ख़राब हो जाता है। ऐसे 2 मिनट चलाना। अभी मैं वो इमली डाल दूंगी, आप कच्चा इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अचार वाला इमली था तो इसीलिए मैं यही डाल दिया। ये थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। ऐसे धीमी हाथों से इसको मिक्स्ड कर लेना है 1-2 मिनट। अभी मैं इसमें शुगर डाल दूंगी, स्टीम को बहुत धीमी रखना है और धीमी हाथों से चलाना भी है जब तक ना शुगर गल जाए तब तक। ये बनाना बहुत ही इजी। इस समय ये अचार को आप 5 मिनट ऐसे ही रख देना धीमी आँच में ताकि इसमें सब कुछ मसाला और नमक। 5 मिनट के बाद इसमें जो दरदरा कूटे ये देखिए मसाला ऐसे रखी हूँ, इसको डाल देना। मैं पूरा नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा इमली का अचार में थोड़ा डाला हुआ था पहले से, इसीलिए मैं थोड़ा कम ही डालूँगी।
बहुत सुंदर सा एक स्मेल आ रहा है, अचार अचार फ्लेवर। और ये अचार आप शीशा का डिब्बा में स्टोर करके रखना, और उसको शीशा का डिब्बा पहले धूप लगा लेना। जब ये अचार हो जाएगा, मतलब इसका थिकनेस देख के आपको पता चल जाएगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ापन आ जाएगा जब, तब इसको जब उतारने की समय हो जाएगा तब इसमें ये देखिए, ये नॉर्मल सी विनीगर है, ये मैं 2 चम्मच डाल दूंगी इसमें, तो इसमें और फंगस नहीं आएगा, मतलब आपका अचार ज़्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग करेगा, आपका अचार जल्दी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। मेरा अचार पूरा तैयार हो गया, देखिए इसका फाइनल लुक है। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। प्लीज मेरा वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट करके बताना और एक लाइक कर देना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।